Good morning. Today we will study about the cell and its related terms. Now, first of all, we have to understand. हम लोगों को अभी पहले सबसे पहले समझना है कि cell कैसे behave करता है as a alternate source of electricity or we can say how it provide the potential difference to the circuit. Means cell mechanism को पहले हमको समझना है और तब फिर हम समझेंगे कि सेल को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं और जब उस सेल को सर्किट में लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है टू द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू दैट सर्किट. सो ऐसे में देखो यहाँ पर कुछ ड्रॉ हमने करके रखा है. अभी यहाँ सबसे पहले वोल्टाइक सेल देख रहे हैं. वोल्टाइक सेल ये आपके पास है, वोल्टाइक सेल. अब इसमें हम सेल मैकेनिज्म देखेंगे जिसके अंदर मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में H2SO4 लिया है, H2SO4 as an electrolyte. And there is the two electrode, one is the zinc and the another is the copper. Zinc is high reactive, zinc more reactive than that of the copper. So यहाँ पर reactive series में इन दोनों का activity भी ध्यान में रखना है. ऐसे में सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया That react with the water, water के साथ है क्योंकि आपने उसको क्या किया है, concentrate को dilute किया, तो water के साथ वहाँ पर वो reaction कर रहा है और electrolyte dissociate कर रहा है into the hydrogen ions and the sulfur ion. तो यहाँ पर देख रहे हैं electrolyte at electrolyte at electrolyte क्या reaction हो रहा है यहाँ पर. तो हम देखें यहां पर H2SO4 आपने लिया, H2SO4 that react and dissociate किया in the form of two hydrogen positive ion plus SO4 two negative. So ये पहला dissociation हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट में. और ऐसे में अब क्या देख रहे हैं कि ये कैथोड और एनोड, कैथोड क्यों बोले यहां पर, जिंक इलेक्ट्रोड जो आपने डिप किया इलेक्ट्रोलाइट में, दे ऑल्सो रिएक्ट. So, at cathode क्यों बोले, क्योंकि जिंक स्टोर करेगा निगेटिव चार्ज को, जिंक प्लेट पे निगेटिव चार्ज का डिसोसिएट एसोसिएशन बने, निगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और कॉपर में पॉजिटिव आयन ऑफ द कॉपर डेवलप करेगा. सो कॉपर बिहेव्स एज एनोड एंड जिंक बिहेव एज कैथोड. सो अब कैथोड में अगर रिएक्शन देखते हैं, माने जिंक का रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो Zn that react Zn 2 plus plus 2 electron release कर रहा है. अब ये Zn क्योंकि यहाँ dissociation हुआ है और यहाँ पर zinc sulfate बनाएगा, यहाँ पर zinc sulfate है sir, यहाँ पे sulfate ions है, तो ऐसे में Zn 2 plus plus SO4 2 negative है. अब ये दोनों react करके Zn SO4 बनाए. तो ये क्या देख रहे हैं हम यहां पर कि ये ZnSO4 बना दिया और जो इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज किया था, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया यहां पर, दैट इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट एट दिस इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया और ये टर्मिनल क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल हो गया. अब इसी तरह एनोड पे अगर हम देखते हैं, एट एनोड, एनोड पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या रिएक्शन देख रहे हैं, फिर कॉपर है, मेटल है, दैट आल्सो डिसोसिएट, कॉपर भी टू आयंस में कन्वर्ट होगा, प्लस ये हो गया टू इलेक्ट्रॉन यहां भी निकला. अब ये टू इलेक्ट्रॉन जो यहां रिलीज किया, वो टू इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ रिएक्ट किया, विद द हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन आपने यहां पर लिया था, इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट किया था उस समय हाइड्रोजन आयन था, टू हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद द टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ और ये पूरा का पूरा प्लेट अब कॉपर पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहां पर कॉपर अब नहीं रहा, यहां कॉपर आयंस के रूप में 2 प्लस के रूप में आ गया, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रोड क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया. सो देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पोटेंशियल डिफरेंस बना और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या देख रहे हैं, एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया. नाउ This potential difference which developed in the cell. अगर हम आप सर्किट में इसको यूज करेंगे, now this behaves as a cell to maintain the current in the circuit. तो सबसे पहले सेल क्या है, ये आपने सेल के मैकेनिज्म
को समझे और ये समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया ऑन द टू इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया, तो ऐसे में अगर हम इस सेल को सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इट विल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करेंट। सो सबसे पहले सेल क्या है? सो सेल इट इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करेंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले बात आप मैकेनिज्म को समझे और मैकेनिज्म को समझने से ये जाने कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जिसके चलते अब ये सोर्स, जब ये सोर्स बन गया, इलेक्ट्रिकल सोर्स बन गया, सेकेंडरी सोर्स बन गया, जब हम इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो ऐसे में करंट कंटिन्यूअस मूव करेगा, मींस दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सब पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट। जिस बात को आपने यहां लिखा, सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। और एक बात क्या देखिए कि ये केमिकल रिएक्शन जो आपने यहां पे देखा जिसमें SO4 टू पॉजिटिव नेगेटिव एंड हाइड्रोजन टू पॉजिटिव टू हाइड्रोजन आयन, दैट इज द हाइड्रोजन आयन दैट मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड SO4 विल मूव टुवर्ड द जिंक प्लेट, कॉपर प्लेट एंड इन द जिंक प्लेट। सो दैट इज द फ्लो ऑफ द चार्जेस देयर, चार्ज जो आयंस आपने यहाँ पर डिसोसिएट करके आयन जो डेवलप किया वो उसका मोशन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं किधर की ओर जा रहा है। तो ऐसे में केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मींस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही कारण है कि ये सोर्स के रूप में बिहेव किया। तो जहां तक हम समझते हैं आप लोग खूब अच्छी तरह से समझ गए मैकेनिज्म ऑफ दिस सेल एंड ड्यू टू दैट मैकेनिज्म इट बिहेव्स एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द करंट और सर्किट, सोर्स ऑफ द सर्किट। नाउ अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टर्म्स क्या है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तीन बात हम यहां पर कर रहे हैं। पहला डिफिनेशन हो गया, आप लिख लिए, अब इसको यहां ध्यान दीजिए कि हमने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज द EMF। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी आपने सेल समझा, सेल क्या है और कैसे ये सोर्स के रूप में बिहेव कर रहा है, दैट इज द सेल। यहां भी आपने लिया सेल और ये सोर्स के रूप में बिहेव कर रहा है और सर्किट में करंट को अलाउ कर रहा है टू मूव। नाउ देखो अब सब दूसरा बात कर रहे हैं EMF दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेमिंग है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट एक्चुअली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब है? जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन द सर्किट इज ओपन। देखो हम यहां पर कहीं सर्किट नहीं लगाए, यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है, क्योंकि हम सिर्फ यहां पर अभी पहला रिएक्शन दिखाए हैं जिसके तहत आप जाने क्या यहां पर निगेटिव का पोटेंशियल बना, यहां पर पॉजिटिव का पोटेंशियल बना और ऐसे में दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया। तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया ड्यू टू इन एन इलेक्ट्रोड व्हेन द सर्किट इज ओपन, ऑन दैट केस इट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस
ऑफ या बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन द सर्किट इज ओपन, व्हेन द सर्किट इज ओपन। अगर सर्किट ओपन है तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया दैट इज नोन एज द ईएमएफ। अब देखो यहां पर हम इस बात को भी समझेंगे। सो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑफ द सेल, जो सेल का है, सेल का अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू, अब ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉजिटिव कॉपर माइनस पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको कॉपर, कॉपर को आपने CU से लिखा, माइनस पोटेंशियल, देखो यहां ऐसे लिख रहे हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल को बता रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड CU प्लस माइनस में हो गया पोटेंशियल ऑफ द, क्या आपने लिया जिंक, जिंक Zn। अब इनके दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस, डिफरेंस मैंने माइनस कर दिए। अब देखो बेटा यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि कॉपर में जो पोटेंशियल डेवलप करता है वो कॉपर का पोटेंशियल जो एनर्जी यहां डेवलप करेगा वो 0.46 वोल्ट होगा, और जो जिंक में एनर्जी डेवलप करेगा वो जिंक में होगा दैट इज द 0.62 वोल्ट। इस रिलेशन में अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइट बदल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के जगह या H2SO4 के जगह पे अगर हम सिल्वर सल्फेट ले लें या दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो फिर वहां पे पोटेंशियल आपका अलग अलग हो जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। लेकिन अभी हम यहां देख रहे हैं कि जिंक में पोटेंशियल जो एनर्जी जो डेवलप किया हुआ 0.62 वोल्ट हुआ, और कॉपर में जो है पोटेंशियल डेवलप किया वो हो गया 0.46 वोल्ट। तो अगर हम इसको रखेंगे यहां पर तो ये जो ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां ले रहे हैं ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, इसको अच्छी तरह से समझिए कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉपर का अगर आपने लिया तो कॉपर का कितना लिखे 0.46 वोल्ट माइनस माइनस और माइनस ऑफ द जिंक, जिंक का माइनस क्योंकि माइनस से एनर्जी है तो माइनस ऑफ द जिंक 0.62 वोल्ट। अब ये पूरा का पूरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज द कंडीशन क्या है कि सर्किट पे कनेक्टेड ना हो तो उस समय जो पोटेंशियल आप डेवलप करते हैं, उदाहरण एग्जांपल हमने लिया और एग्जांपल से ही हम समझ रहे हैं क्योंकि हम जब तक सेल मैकेनिज्म नहीं समझेंगे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बेटर रिगार्डिंग ऑल दिस रिलेटेड टर्म्स एंड द सेल। तो अभी हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं यहां पर कि इन दोनों को अगर हम यहां पर ले लें तो ये कितना हो गया 1.08 वोल्ट या 1.1, इसको आप जनरली 1.1 वोल्ट भी कह सकते हैं। तो एक वोल्टिक सेल के तहत जब आप इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 लेते हैं तो ऐसे रिएक्शन के साथ है हमको पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अभी हमने कहा ईएमएफ जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड होता है, कब, जब सर्किट इज ओपन। तो जब सर्किट ओपन होता है उस समय जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैल्यू यहां पर एक एग्जांपल के रूप में वोल्टिक सेल का हमने लिया तो ऐसे में कितना निकला 1.1 वोल्ट। ये एक बात हम समझे। दूसरा बात आपने यहां कंसीडर किया कि सर्किट का सर्किट ओपन हो और तब जो पोटेंशियल सेल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप कोई सेल लेते हैं, मान लीजिए आपने एक ड्राई सेल लिया है और ये सेल क्या कार्बन सेल ले रहे हैं, ड्राई सेल ले रहे हैं, तो ऐसे में इसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, दैट मींस 1.5 वोल्ट इज द ईएमएफ। ये क्या हो गया, दैट इज द ईएमएफ।
ऑफ दिस टू टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव आपने लिया यहां पर और एक निगेटिव लिए, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट दिखा रहा है या 3 वोल्ट दिखा रहा है या 6 वोल्ट दिखा रहा है, ये बता रहा है, मींस ये प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन ये इतना पोटेंशियल जब हम कनेक्ट करते हैं तब नहीं होता। अब देखो यहां हमने दो सर्किट बनाया है, जब हम सर्किट के साथ ओपन है, ओपन माने यहां डॉट नहीं कर रही है, ओपन है, तो ओपन में जब हम सेल के बीच का इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल देखते हैं वो पोटेंशियल क्या हो गया, दैट इज द ईएमएफ, ई बोलो या ई बोलो, दैट इज द वोल्ट मीटर आपने यहां लगाया। और जब वोल्ट मीटर आप यहां लगा रहे हैं तो ये वोल्ट मीटर आपको ईएमएफ ऑफ द सेल को रीड कर रहा है जब ये ओपन है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहां पर हमने क्या लिया है, ओपन लिया है, ओपन मतलब सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। तो जब करंट ड्रॉ नहीं करेगा उस समय जो पोटेंशियल आप इलेक्ट्रोड के बीच का देखते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द ईएमएफ। अब एक बात और हम समझेंगे यहां पर, क्या समझेंगे कि देखो ये बात भी हमको ध्यान में रखना है कि व्हाई द नेम इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो इट इज नॉट द फोर्स, बट हम जान रहे हैं कि यहां पर फोर्स नहीं है, हमने अभी कहा ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, लेकिन फिर भी इसका नाम क्यों रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि अब देखो यहां पर अगर हम बात को समझें तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो आपने यहां पे कंसीडर किया है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, दे मूव अबाउट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, मतलब सल्फर जो आप हाइड्रोजन आयंस किए वो पॉजिटिव आयंस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, कॉपर पॉजिटिव की तरफ मूव किया, तो यहां पर रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन रिपल्सन नहीं होने पे यहां पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस देयर इज अ वर्क डन ऑन द चार्ज, ठीक है, और वर्क डन ऑन द चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे वर्क हो रहा है, वर्क क्यों हो रहा है, तो टू मूव टुवर्ड दैट वन, क्यों, क्योंकि यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आप यहां पे 2- ले रहे हैं, और इसके साथ रिएक्शन देखिए, हम हाइड्रोजन का रिएक्शन हम यहां पे देखें, तो ये हाइड्रोजन का रिएक्शन बता रहा है कि दैट मींस हाइड्रोजन मूव किया टुवर्ड द पॉजिटिव, जबकि मोमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों लाइट बिहेवियर है, और जहां लाइट बिहेवियर होगा वहां पर रिपल्सन होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर क्या हो रहा है, मोमेंट हो रहा है, मींस देयर इज अ फोर्स फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वर्क डन, सो वर्क ऑन द चार्ज इज द पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल को आप देखिए, सो ईएमएफ आप यहां पर समझे, क्या हमने कहा, बस थोड़ा छोटा सा बात समझना है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन किधर की ओर मूव कर रहा है, टू दैट ऑफ द कॉपर पॉजिटिव, मूवमेंट है, मोशन है, मोशन है, मोशन किधर की ओर है, मोशन है टू द कॉपर टू पॉजिटिव, जबकि दो पॉजिटिव है यहां पर निश्चित तौर पर रिपल्सन होगा, लेकिन अब इस रिपल्सन के अगेंस्ट, रिपल्सन है इन दोनों पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, इस रिपल्सन के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, और ड्यू टू दैट फोर्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल गिव द वर्क, सो वर्क किसमें हो रहा है, टू द आयंस, टू द चार्ज, सो वर्क टू द चार्ज इज द पोटेंशियल, और आप यहां पर पढ़े हैं वी इज इक्वल टू वर्क टू द चार्ज, सो ये पोटेंशियल है ईएमएफ, दोनों ही कंडीशन नेगेटिव भी नेगेटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द सेल, इस बात को अच्छी तरह से समझना है, और यही कारण है कि इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पड़ा, एक्चुअली इट इज द पोटेंशियल ऑफ द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो पोटेंशियल कैसे डेवलप किया, जब आप वर्क करते हैं तो वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है, तो यही एनर्जी के रूप में आप कंसीडर कर रहे हैं, तो हम जहां तक समझ रहे हैं आप दोनों बात को समझे, अगर आप SO4 को कंसीडर करते हैं जो निगेटिव, और उसको अगर मोशन दे रहे हैं, मोशन दे रहे हैं टुवर्ड द जिंक, और जिंक आपके पास क्या दिया हुआ है, टू निगेटिव, Zn टू निगेटिव, तो यहां पर भी हम क्या देखें, दैट इज ऑल्सो द लाइक टर्म्स, निगेटिव आयंस, निगेटिव आयन, सो रिपल्सन है, इसके बावजूद भी देयर इज द कॉम्बिनेशन, यहां पर दोनों के बीच में Zn SO4 के बीच में टू पॉजिटिव यहां पर इसके साथ रिएक्ट किया, और कॉपर यहां पर हमारे पास एक मिनट, यहां ध्यान देना बेटा, यहां जिंक पॉजिटिव नहीं ले रहे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं,
और इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव आप यहां पर रिलीज कर रहा है, क्योंकि जिंक आपको जिंक क्या रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव रिलीज कर रहा है, इसके बावजूद भी ये कंबाइन करने के लिए मूव कर रहा है। तो ऐसे में दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो रहा है एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जहां तक हम समझते हैं कि अभी आप अच्छी तरह से समझ गए कि ईएमएफ क्या क्या कंडीशन है। ईएमएफ इज द वर्क डन इन द सेल, वर्क डन इन ए सेल टू मूव इट आयंस और द चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस बात को हम यहां पर लिख सकते हैं, हमने सारी तरह अच्छी तरह से समझा कि पहले तो पोटेंशियल कैसे बना, पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज द ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या मिला हमको, दैट इज द वर्क डन, एक सिंपल क्या मिला, वर्क डन इन ए सेल, सेल के अंदर वर्क डन हो रहा है टू मूव द चार्ज। ईएमएफ का इसको हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन इन ए सेल टू मूव द चार्ज, टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन ए फील्ड। आप यहां पर जहां भी चार्ज मूवमेंट करेगा वहां फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ क्या हुआ, दैट इज द वर्क डन, वर्क डन इन ए शेल टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट वर्क डन आप बोल सकते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए टर्मिनल, इन ए टर्मिनल, टर्मिनल की तरफ मूव किया, जो आप ये यहां पर दोनों कंडीशन को समझे। तो ये हमारा था पूरा अबाउट द ईएमएफ। अब हम जानना चाहते कि व्हाट अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, अब देखो सोर्स को हमने दैट मींस द सेल को हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट में, तो नाउ सेल बिहेव्स एज ए सोर्स। अब ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर मान लो एक रेजिस्टेंस आपने लिया, बल्ब जला लिए या कुछ लिए और यहां पर की का लगा दिए, अब ये की जैसे ही आप लगाएंगे करंट का मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा और जो लोड रेजिस्टेंस आपने लिया है वहां से मोमेंट स्टार्ट होगा, मतलब अगर बल्ब है तो ग्लो करेगा, फैन है तो मूव करेगा, लाइक दिस वट एवर यू अप्लाइड अप टू दैट पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल के हिसाब से आई थिंक इससे बड़ा है तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जितना एनर्जी किसी को चाहिए अगर आप उतना प्रोवाइड करेंगे तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो ये बात भी आप हमारा आप समझे अच्छी तरह से कि आर का नेचर अकॉर्डिंग टू द सेल अप्लाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर वहां पर वर्क नहीं होगा। तो सबसे पहला बात आप जाने सेल क्या है, फिर आपने जाना ईएमएफ क्या है, फिर आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अभी पहला बार में जब ओपन आपने रखा था तो करंट इसमें सर्किट में मूव नहीं कर रहा था, उस समय जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस था टर्मिनल का और ये पोटेंशियल डिफरेंस को आपने ई से लिया, और ये जो दिखा रहे हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहां पर भी हम इस चीज को लिख देते हैं प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस और यह हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ऐसे में जब आप कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने में क्लोज कर दिए, क्लोज किए डॉट लगा दिए, देखो यहां डॉट नहीं दिए यहां डॉट दिए, तो ये क्लोज हो गया, जैसे क्लोज्ड कर दिए द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो अलोंग द रेजिस्टेंस आर, जो पहले नहीं हो रहा था वो आर रेजिस्टेंस मूव करने लगा। तो ऐसे में हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, क्योंकि अब जो वोल्टेज देगा वोल्टमीटर अब जो रीड करेगा वो क्या रीड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर देखो ईएमएफ समझे हम लोग, अब देख रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल मान लीजिए आपने यहां दो पोटेंशियल का एंड लिया अलोंग द कंडक्टर ए एंड बी, तो यहां पे पोटेंशियल कितना रीड करेगा, कितना करंट यहां मूव करेगा, दैट विल रीड बाय द पोटेंशियल, और यह पोटेंशियल को हम भी से लेंगे, मतलब अब ये इलेक्ट्रोड की बात नहीं है, अब जो दो एंड की बात हो गई,
टर्मिनल्स है ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये पोटेंशियल जब वोल्ट मीटर रीड करेगा तो भी वोल्ट मीटर भी लोड रीड करेगा यहां पर वोल्ट मीटर, तो ऐसे में ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मींस द पोटेंशियल रीड व्हेन द सर्किट इज क्लोज देन इट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले में आप क्या था, ओपन था, और आप अच्छी तरह से ईएमएफ पढ़े कि ईएमएफ कैसे डेवलप किया, किसमें पोटेंशियल कितना है और क्यों इसका नाम ईएमएफ पड़ा अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। अभी हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका क्या हो गया, दैट इज द क्लोज किए उस समय जो पोटेंशियल दिया। अब ये पोटेंशियल दोनों बराबर नहीं होगा क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ऐसे में दैट रेजिस्टेंस विल रिड्यूस सम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू घट जाएगा। मींस अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल ले तो टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन ऑफ द ईएमएफ। हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल कहां बढ़ेगा, जब आप अपोजिट कैरेक्टर में बात करेंगे, माने चार्जिंग ऑफ द सेल के समय में टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन द ईएमएफ होगा। लेकिन जब हम चार्ज होकर के डिस्चार्जिंग में जा रहे हैं, माने जब ये यूज हो रहा है इसका हमने डिस्चार्ज में जा रहे हैं, तो जब हम यूज कर रहे हैं उस समय जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा ईएमएफ से कम होगा, लेस देन होगा। अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल एंड द ईएमएफ। देखो अब यहां पर दोनों बात बता रहे, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन एंड्स कर लो ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का और जो आप ले रहे हैं लोड, दैट इज द आरएल लोड रेजिस्टेंस या आर भी कर सकते हैं, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रीड करता है। पहले वाले में आपने क्या लिखा था, पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड लिए थे, अभी पोटेंशियल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबल क्या लिए, दैट इज वी, वी वोल्ट से अपने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कब लिए, ये भी कंडीशन है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अगर सर्किट क्लोज है उस समय जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके बारे में बता रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान में रखना है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को समझ जाए, और एक और बात कि दोनों ही कंडीशन पे मींस ईएमएफ एंड द टर्मिनल दोनों का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। तो यूनिट ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इज ओम। क्या है ओम, और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट क्या है, वी वोल्ट, दोनों ही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द वोल्ट, कहीं भी लेंगे वोल्ट लेंगे। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अब देखो अब लास्ट हम देखने जा रहे हैं दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस समझ जाएंगे तो फिर हम उसका रिलेशन को निकालेंगे बिटवीन द टू EMF एंड ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखो यहां पर यहां क्या बात आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सिंबल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहां भी रखे हैं यहां भी, और इट इज द रेजिस्टेंस इन द सेल, रेजिस्टेंस इन द सेल, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द चार्जेस, उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है,
अब ये रेजिस्टेंस कैसे कैसे हो सकता है, तो फैक्टर्स और रेजिस्टेंस का कौन कौन फैक्टर है और रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सेल का रेजिस्टेंस फैक्टर बात कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या अभी आप यहां पे लिए, तो सबसे पहला बात, पहला फैक्टर हो गया पोलराइजेशन। अब देखो पोलराइजेशन को समझो, कैसे समझेंगे पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन क्या कहता है कि अभी आप एक रिएक्शन देखें, दैट मींस रिएक्शन क्या देखें, अब यहां लिख दे रहे हैं टू हाइड्रोजन प्लस प्लस और टू इलेक्ट्रॉन निगेटिव, कितना बनाया हाइड्रोजन गैस बनाया, और ये गैस यहां से रिलीज नहीं कर पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ये बबल, गैस का बबल का एक लेयर बनाते चला जाएगा, दिख रहा है यहां पे, एक लेयर बनाते चला जाएगा, और जैसे जैसे लेयर बनाएगा चार्ज का मूवमेंट पोलराइज होते चला जाएगा। कहने का मतलब है चार्ज पूरा फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, देयर इज द हाइड्रोजन गैस, वॉल ऑफ द हाइड्रोजन गैस विल जनरेट, वॉल ऑफ द हाइड्रोजन गैस विल जनरेट। ये जो गैस है ये एक स्टॉपर के रूप में काम करने लगेगा टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस, जो चार्ज इसमें आयंस जो इसमें मूवमेंट करना चाहता है उस मूवमेंट को वो ब्लॉक करने लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोलो या फर्स्ट फैक्टर बोलो, फर्स्ट फैक्टर इज द पोलराइजेशन, ठीक है, जो सभी सेल में होगा, चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, सभी जगह हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। तो ऐसे में हम कई बार देखें जहां पे सेल को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है वहां एक स्मेल होता है और वो स्मेल हाइड्रोजन गैस का ही होता है, तो ऐसे में क्योंकि वहां पर गैप छोड़ा जाता है टू दैट ऑफ द रिलीज। लेकिन जब हम ड्राई सेल या बाकी लेते हैं तो वहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप डेवलप करता है और थोड़ी देर के बाद या जब हम यूज करते हैं तो विद इन द यूज ऑफ दैट वन इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल और धीरे धीरे हम उसको सेल को फेंक देते हैं। दैट मीन्स वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते चला गया और आयंस का जो मूवमेंट था उसको ब्लॉक करते चला गया, जिसके चलते फिर फर्दर मूवमेंट नहीं हो पाया, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर द सेल ओनली, सेल के लिए ये स्पेशलाइज है, इसका मतलब जहां भी हम सेल का रेजिस्टेंस बात करेंगे वहां पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप पहला पोलराइजेशन देखें, दूसरा क्या होता है लोकल फैक्टर, दैट इज द लोकल एक्शन, लोकल एक्शन। कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर या हम ऐसा सेल बना रहे हैं या हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, हमने जो इलेक्ट्रोड लिया उसको क्लीन नहीं किए बाय यूजिंग सम ग्रेसिंग पेपर्स एंड सम रबिंग ओवर दैट ऑफ द इलेक्ट्रोड, उसको हम रगड़े नहीं, उसको साफ नहीं किए, क्लीन नहीं किए, हो सकता है उसमें कोई और भी एलिमेंट हो जो एक लोकल सेक्टर में रिएक्शन बनाए। जैसे मान लो आपने जिंक लिया और जिंक के साथ आयरन लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है Fe, तो यहीं पर एक ये जिंक भी है और इसमें आयरन भी है, ये दोनों मेटल यहां पर क्या करने लगेगा, दैट स्टार्ट लोकल एक्शन, लोकल एक्शन। इसका मतलब ये इनके बीच में एक अपने आप करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से अगर मोमेंट होगा तो सेल अपने पूरे पोटेंशियल को प्रोवाइड नहीं करेगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स, दैट फैक्टर्स व्हिच इज द रिस्पांसिबल फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये तो हम जाने, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो दैट वी विल सी। फैक्टर्स को हम समझे, इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल में आता है, सेल के अंदर होता है। अब ये बात यहां पर देख रहे हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन, पहला फैक्टर क्या है, दैट मींस ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस आपने डी लिया है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज को ज्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा और चार्ज को या आयंस को ज्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा, अगर चार्ज या आयंस को ज्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा तो दे विल कोलाइड ड्यूरिंग द मोशन, जब भी मोशन कर रहा है बीच में आपस में कोलाइड करेगा। देखो यहां पे ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ऐसे में
दोनों आयंस जो आपने लिया या चार्ज जो आपने लिया वो उसका मोशन ज्यादा दूर तक जाएगा, तो ड्यूरिंग दैट जर्नी दे कोलाइड विद नंबर ऑफ आयंस और द चार्ज पार्टिकल। तो ऐसे में इसका मतलब रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात आप क्या कह रहे हैं दैट कितना एरिया डिप किया हुआ है, किसका इलेक्ट्रोड का, इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना एरिया आप ड्रिप करेंगे उतना चार्ज को ज्यादा स्पेस मिलेगा मूवमेंट करने के लिए। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली टू दैट ऑफ द एरिया डिप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो एरिया कितना डिप है या ये भी बात हम यहां पर देख रहे हैं। अगर इंक्रीज एरिया ज्यादा अंदर डिप किया हुआ है तो इसका मतलब स्पेस इसको ज्यादा मिल रहा है, चार्ज को आयंस को स्पेस ज्यादा मिल रहा है टू कंबाइन टू मूव। और थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा यहां पर दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। यहां पर आयंस आप देख रहे हैं, अगर आयंस की संख्या बढ़ेगी दैट इज द चार्ज कंसंट्रेशन और चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। सो एन दैट इज द चार्ज डेंसिटी, एन इज द चार्ज डेंसिटी। और यहां पर चार्ज की रूप में आपने कंसिडर किया दैट इज द आयंस। तो आयंस की डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस घट रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट होगा तो ऐसे में यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इन सभी क्या है, ये सभी डिपेंडेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपने आर लिया वो आर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन सब फैक्टर पे। इससे पहले हमने फैक्टर वो फैक्टर बताया था जिसके चलते इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करता है, बनता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे बना, तो हाइड्रोजन गैस को आप बाहर नहीं किए, दे मेक ए वॉल्व, दे मेक ए स्टॉपर टू द फ्लो ऑफ द आयंस, और लोकल फैक्टर भी आप ना जाने। अब चौथा बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर दैट आर इज इनवर्सली टू दैट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर का इंक्रीज करना, ऐसे कॉमनली टेम्परेचर का इंक्रीज करना रेजिस्टेंस का इंक्रीज होता है, लेकिन आउटसाइड, ठीक है, कंडक्टर में। अभी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो आप लिए हैं यहां पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे जनरली हम लोग बात क्या करते हैं कि आयंस ज्यादा डिसोसिएट करेगा, आयंस की मात्रा बढ़ेगी, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पतला होते चला जाएगा, मतलब लाइट होते चला जाएगा। तो ऐसे में मूवमेंट अगर किसी जगह पे लाइट हो जाएगा, डेंसिटी घटेगा, तो ऑब्वियसली मूवमेंट आप इजी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सो टेम्परेचर के बढ़ने से फिर रेजिस्टेंस घटता है, तो ये चार फैक्टर को भी हम अच्छी तरह से समझें। दैट इज द रिस्पॉन्सिबल, दैट इज वाई देयर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन साइड द सेल, सेल के अंदर। तो इतना बात हम लोग समझे। अब देखो, अब रिलेशन हम देख रहे हैं, जल्दी से देखो रिलेशन बिटवीन द EMF and the terminal potential difference, TPD, terminal potential difference। तो जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं, क्योंकि ओपन में तो करंट आप नहीं निकाल रहे, यहां नो करंट है, करंट का डायरेक्शन नहीं दिए, करंट का डायरेक्शन हमने यहां दिया है क्योंकि यहां क्लोज किए तो करंट मोमेंट किया। तो यहां पर ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन, कौन कौन के बीच में ले रहे हैं, EMF दैट इज E एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखे थे, V, जो यहां सामने में दिख रहा है दोनों की जगह पे। तो जब हम क्लोज करते हैं, when the circuit is closed, सर्किट क्लोज है ऐसे कंडीशन पे, सर्किट जब क्लोज है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दैट करंट विल ग्रो, दैट इज द E बाय द रेजिस्टेंस कितना है। एक और बात दिमाग में रखना है, नोट पॉइंट में हम यहां लिख दे रहे हैं, नोट पॉइंट में दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड
to the connected in series, connected in series with load resistance. Load resistance. लोड रेजिस्टेंस के साथ ये हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट होता है। तो अगर सीरीज में कनेक्ट होता है, ये भी मेजर बात नोट पॉइंट आप देखें यहां पर, ये भी मेजर नोट पॉइंट आप बात जाने। तो ऐसे में आर हमेशा सीरीज कनेक्टेड होता है विद द कैपिटल आर, स्मॉल आर हमेशा। तो ऐसे में कितना रेजिस्टेंस अगर आप क्लोज किए तो यहां कितना हो गया, सीरीज में हो गया, मैंने दोनों आर जुड़ गया, सो दैट इज द आर प्लस आर। अब यहां से हम रिलेशन को आगे बढ़ा देंगे तो E इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, दैट इज द आई आर प्लस आर, और यहां क्या बोले, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर स्मॉल। और ये आई आर हम जानते हैं, सिंस आई कैपिटल आई आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच प्रोवाइडेड ओवर द सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, तो यही रिलेशन E इज इक्वल टू कितना हो गया, वी माइनस प्लस आई आर, और इसी को आप लिखते हैं बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये रिलेशन हमको कब मिल रहा है, देखो हम फिर से बता रहे हैं, जब हम डिस्चार्जिंग में जा रहे हैं, जब सेल से हम पोटेंशियल, जब सेल से करंट ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेल को चार्ज करते हैं उस समय ये रिलेशन घट जाता है, मतलब यहां प्लस हो जाएगा। जब हम सेल को चार्ज करते हैं, जब हम सेल से चार्ज ले रहे हैं, when we draw the charge, when we draw the charge from cell, तो ऐसे में E is greater than V होगा। लेकिन when cell is given, the charge is given to the cell, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर चार्जिंग ले रहे हैं, for charging, चार्जिंग ऑफ द सेल, तो ऐसे कंडीशन में यही बात आपका क्या हो गया, वी इज ग्रेटर देन, वी ग्रेटर देन ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। ई क्या है, ईएमएफ है, जो आप यहां पर लिखे, दैट इज द ईएमएफ, ईएमएफ यहां लिख दीजिए, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों बात हमको यहां मिल रहा है। अगर हम चार्जिंग का बात करें तो फिर वी को हमने वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखना है, फॉर चार्जिंग, फॉर चार्जिंग, तो चार्जिंग जब हम ले रहे हैं तो ऐसे में V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हम देखें दोनों कंडीशन पे, पहले वाले में जो पहला जो इंपॉर्टेंट है, जब हम सेल को सोर्स के रूप में कंसीडर कर रहे हैं उस समय हमारे पास रिलेशन है दैट पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन दैट ऑफ द ईएमएफ। एक रिलेशन को अच्छी तरह से समझे, रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, सो डिटरमिनेशन ऑफ और फाइंडिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल रहे हैं, सो देखो, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब इस चीज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी हमने लिखा फॉर द क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट को जब हम देखें तो ऐसे में हमने क्या देखा, दैट करंट आई, करंट इज ड्रॉन, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर वन कर सकते हैं इसको। अब देखो यहां पर हम बात करें क्लोज सर्किट की तरह, तो ऐसे में टर्मिनल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू आई आर, सो वी इज इक्वल टू आई आर, और ई का वैल्यू हमने ले लिया, ये इक्वेशन टू हो गया। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, और सिंपल कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वन ओवर द टू, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू वी गेट, कितना आ गया, तो ऐसे में हमारे पास आ गया वी इज इक्वल टू ई इन टू आर बाई आर प्लस आर। अब इसका कुछ नहीं, यहां पे क्रॉस कर देंगे तो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, दैट इज द आर प्लस आर इज इक्वल टू ई बाई वी
इनटू आर। अब इस आर को कैपिटल आर को उधर कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया और आर इज इक्वल टू दैट इज ई बाई वी आर माइनस आर। और एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, सो आर इज इक्वल टू एक स्टेप और ले लेते हैं यहां पर, तो ये हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। ऐसे में हम सेल के बारे में सभी कुछ जाने, दैट मीन्स नाउ हम इस बात को यहां देख रहे हैं, सो इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस को बताया। सो दीज आर द रिलेशंस विच वी यूज बाय ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एनसीईआरटी में शुरू का ही क्वेश्चन आपको सेल से पूछा गया है, तो हम अब समझ सकते हैं या आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए सेल क्या है। पहले सेल मैकेनिज्म को समझे और उसके बाद एक एक टर्न को कंसिडर किए। एक और बेटा बात ध्यान में रखना है, ईएमएफ हो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट वोल्ट होगा, और रेजिस्टेंस हो आउटसाइड रेजिस्टेंस या सेल का रेजिस्टेंस यूनिट ओम होगा। ओम अब हम यहां पर लिख भी दें कि रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, यूनिट क्या होगा ओम होगा। तो रेजिस्टेंस कैसा भी हो कहीं पर भी हो यूनिट सेम होगा, पोटेंशियल कैसा भी हो कहीं पर भी हो यूनिट सेम होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द सेल रिलेटेड कंडीशंस। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल विद द सीरीज एंड द पैरेलल और विद द मिक्स्ड रेगुलेशन। ओके थैंक यू।